हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी लेवल 5 का जो आज एग्ज़ाम था वो आज सेकंड शिफ्ट के अंदर चंडीगढ़ जोन से मेरा एग्ज़ाम अहमदाबाद सेंटर हुआ था वो आज कम्प्लीट हो चुका है और मैं उसके रिव्यू के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम कैसा आया था। अगर आपका अपकमिंग डेज में एग्ज़ाम है तो आपको किन किन चैप्टर पर फोकस करना है और किस तरीके से अपनी जीके के और मैथ के पोर्शन को आपको इंक्रीज करना है, इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स का जो सेक्शन था। मैथ के सेक्शन में आपका अगर CISI कम्प्लीट है तो आप इजीली 3 से 4 सवाल जो हैं बना जाएंगे, क्योंकि जो लेंथी सवाल थे वो CI और SI पर ही थे। SI पर एक सिंपल सवाल था और CI पर 3 सवाल थे, जो 2 सवाल काफ़ी कैलकुलेटिव थे और टाइम टेकिंग थे। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपलीफिकेशन के लिए 1 सवाल आपका आया था और ट्रिग्नोमेट्री से आपके दो सवाल आए थे और हाइट एंड डिस्टेंस से आपका कोई भी सवाल आज नहीं पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के अंदर। और आपका जो HCF LCM है उससे 2 सवाल थे आपके और नंबर सिस्टम से आपके 2 से 3 सवाल थे और जो आपका एवरेज से आपके 2 सवाल थे। तो ओवरऑल जो मैथ का सेक्शन था आपका 35 में से आप 30 सवाल आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है और टाइम आपको पढ़ने में भी लगेगा और थोड़ा सोल्व करने में भी टाइम लगेगा। तो एक मिनट 10 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना टाइम देंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप जल्दी लेके चलिएगा उसको। वहीं अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में तो रीजनिंग का जो सेक्शन था उसके अंदर पज़ल के 8 से 9 सवाल थे और पज़ल भी काफ़ी अच्छे थे। एक पज़ल के अंदर स्क्वायर बेस के अंदर जो कॉर्नर पर कैंडिडेट बैठे हैं वो बाहर की तरफ और जो उनकी साइड्स पर बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे थे, इस पर भी एक सवाल था। और पजल के ओवरऑल 5 से 6 सवाल थे जिनके अंदर ऑर्डर और रैंकिंग वाले जो सवाल थे वो 4 से 5 सवाल थे। वैसे ओवरऑल जो रीजनिंग का लेवल था वही मैथ की तरह था, 30 से 32 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और ब्लड रिलेशन का एक सवाल जो था वो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो इजीली हो गया था क्योंकि उसके अंदर 8 मेंबर्स एक परिवार के अंदर थे तो उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था। तो ओवरऑल जो मैथ और रीजनिंग का लेवल था वो आप 70 में से 60 आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप एग्ज़ाम को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी लेंथी है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जीके के लेवल की तो जीके का जो लेवल है वो लेवल 6 और 4 की तरह काफ़ी हाई है, तो इसलिए आप जीके में ज़्यादा नेगेटिव ना जाइए, क्योंकि उन्होंने आर्ट एंड कल्चर से ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसी साइट्स ऐसे ऐसे प्लेस के बारे में पूछा है जिनका नाम भी आपने या मैंने सुना नहीं है। तो मैंने जो ओवरऑल अटैम्प्ट किए हैं वो 87 अटैम्प्ट किए हैं और जो एग्ज़ाम का लेवल था अगर जीके को हटा दिया जाए तो एक नॉर्मल लेवल था, लेकिन जीके के आ जाने से जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा सा बूस्ट हुआ है। अगर कट ऑफ की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर तो कट ऑफ जो आपकी अभी तक डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चलेंगे, बहुत सी शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप उसी को रिवाइज़ कीजिए। जीके में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे तो आप जीके को ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव भी कर लेंगे, इसलिए आप अपने मैथ रीजनिंग पर जाइए और जीके में आप अपनी एक्यूरेसी पर जाइए। अगर आपकी जीके में एक्यूरेसी में 10 सवाल 15 सवाल आ रहे हैं तो बस उतने कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।